सर, जेल में एक लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है, किस तरह की लाइब्रेरी है और कब तक बनके तैयार होगा? देखिए, शिक्षा है और वो सबसे सुधार का सबसे अच्छा माध्यम है। पुस्तकालय के बारे में कहा जाता है, एक पुस्तकालय खोलते हैं तो एक जेल बंद होती है। यानी पुस्तकों का मनुष्य के जीवन में सुधार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यहाँ पर बंदियों को इसी भावना को देखते हुए बंदियों के लिए एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें धार्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें, सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं वो रहेंगे, साथ ही मोटिवेशनल बुक्स की व्यवस्था की जा रही है, साहित्यिक किताबें भी रखी जा रही हैं, जिनमें जिससे बंदी अपना जो खाली समय है उसको सकारात्मक तरीके से उपयोग कर पाएगा और कुछ ज्ञानार्जन करेंगे। और किताबों से मनस्थिति बदलती है, ये स्वतः सिद्ध है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे बंदियों की मानसिकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। इस भावना के साथ, चूँकि जेल एक सुधारा गृह है और उसी संकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग यहाँ एक पुस्तकालय स्थापित कर रहे हैं सामाजिक सहयोग से, जिसमें अभी हमारे पास 1000 किताबें हो चुकी हैं, बाकी फर्नीचर भी आ चुका है और निर्माण कार्य तेजी पर है, जल्द ही उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। कितना समय लग पाएगा सर तैयार होने? अभी लगभग 10-15 दिन और लग सकते हैं, जो तैयारियों का स्तर है उस आधार। एक जेल में बताया जा रहा है कि किसी तरह की चित्रकला दीवारों पर पेंट कैदियों द्वारा की जा रही है, उसमें क्या है? ये भी काम, जो लाइब्रेरी एरिया जो हम डेवलप कर रहे हैं उसमें लाइब्रेरी के साथ साथ वहाँ पर एक तरह से अध्ययन केंद्र भी रखा जाएगा। आगे एक जो प्लान है बंदियों के लिए अध्ययन के लिए, तो वहाँ पर उस तरह से एक उसको स्कूल का लुक दिया जा रहा है उस एरिया को, जहाँ पर बंदियों द्वारा पेंटिंग भी की जा रही है। आगे से प्लान ये है कि सारी जेल में जहाँ भी स्थान होंगे वहाँ पर अच्छी अच्छी चित्रकारियाँ की जाएंगी, पेंटिंग्स की जाएंगी, क्योंकि जो अच्छे चित्र होते हैं, अच्छे सकारात्मक चीज़ें देखने से भी मनुष्य के मन में सकारात्मकता आती है। इसी भावना के तहत सारी जेल में संपूर्ण स्वच्छता अभियान जोरों पर चल रहा है और जेल की साफ सफाई, पेंटिंग इत्यादि का कार्य कराया जा रहा है। सही, कैदियों के लिए जो लाइब्रेरी है, कैदी किस तरह से यहाँ से बुकें लेंगे, क्या व्यवस्था होगी उसके लिए? व्यवस्था रखी जाएगी, चूँकि उतना स्पेस नहीं होगा कि जहाँ पर सारे बंदी एक जगह आके पढ़ सकें, सुरक्षा कारणों से भी वो उचित नहीं होगा, इसलिए व्यवस्था रखी जाए कि बंदी अपनी बुक इश्यू करा के बैरक में ले जाएगा और पढ़ने के बाद वो वापस जमा करेगा। इसके लिए एक बंदियों में से ही देखे जा रहे हैं कुछ बंदी जो पढ़े लिखे हैं और लाइब्रेरी का काम देख सकते हैं, तो उनको एज ए लाइब्रेरियन वहाँ रखा जाएगा और वो उस काम को देखेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे।